मैं भैया को पटा रही हूँ, बड़ा भाव खाता है यार। मम्मी का कहना है कि हम 7 दिन से आ रहे हैं, 6 दिन से, तो हम दुबले हो चुके हैं। नाना जी बेचारे सोच रहे होंगे, रोज टहलाती रहती है हमको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साक्षी और मेरी यूट्यूब चैनल साक्षी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और खाना पीना अभी खाया है मैंने, और अभी हो रहा है 3:30, दोपहर का 3:30 हो रहा है। और अभी मैं ऐसे ही डेली की तरीके तैयार हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि भैया मुझे भागवत में छोड़ा। और आज है भागवत का 5वां या 6ठा दिन है, मुझे श्योर नहीं है, आई थिंक 6ठा दिन है हाँ। और आज है कान्हा जी का विवाह, तो मैं सोच रही हूँ कान्हा जी की वेडिंग में हुआ हूँ मैं भी। तो मैंने भैया से कहा कि भैया छोड़ा, तो भैया कहता है पग यात्रा करके सीधे निकल लो पतली गली से, छोड़ के नहीं आ रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं अकेले कैसे जाऊँ, और अकेले यार पग यात्रा पैदल जाओ, अकेले जाओ तो थोड़ा कोई साथ में हो तो चले जाओ, अकेले भैया मुझसे नहीं जाया जाता है। तो मैं भैया को पटा रही हूँ, बड़ा भाव खाता है यार, जाता नहीं है छोड़ने। तो अगर पट गया तो लिवा चलेंगे, अगर नहीं पटा तो कोई बात ही नहीं, गरी में बैठे रहेंगे, अकेले तो जाने से रहे हम, अकेले जाएंगे नहीं। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मैं दिखाऊंगी, मैं तो भाई लड़के की तरफ से हूँ, कान्हा जी की तरफ से हूँ, मुझे ले जाना नहीं है कुछ भी। जो भी मम्मी को ले जाना था ले गई। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और मैं पहुँच के मिलती हूँ आप लोग से। बाय। आज के जनरेशन के हमारे कान्हा जी और रुक्मणी जी आ रही हैं, और रुक्मणी जी पहले ही स्टेज में आ चुकी थी क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी शादी करने की, और फिर कान्हा जी आए हुए नहीं थे, तो फिर रुक्मणी जी लेने गई उन्हें कान्हा जी को कि भाई जल्दी चलो। और आप लोग तो जानते ही हो गर्ल्स को कितनी जल्दी होती है शादी की। सो बहुत एक्साइटेड थी रुक्मणी जी हमारी, तो बस स्टेज में पहुँचे अपने कृष्ण जी को लेके, और बस आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए, मैं मिलूँगी बाद में। माला तो हो चुका था, और मम्मी अब जा रही है कन्यादान करने, क्योंकि ये थी रुक्मणी जी के साइड से, तो उनको तो कन्यादान करना बनता ही है। तो जितने भी लोग थे वहाँ पे सभी लोगों ने कन्यादान किया, एंड ये मुझे कान्हा जी देख देख के हंस रहे हैं। और काफ़ी प्यारी लग रही थी दोनों जो कि, और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पैर पूजन, मम्मी पापा जी और जितने भी लोग थे वहाँ पे, जिनको जिनको पैर पूजना था वो लोग पूजन कर रहे थे। और कान्हा जी को देखो भाई, निक्की तो हंसी ही नहीं बंद हो रही थी वहाँ पर स्टेज में, और वो कंट्रोल कर रही थी कि कंट्रोल करें ज़्यादा ना हंसे। और बस आप लोग देखिए, फिर मिलूँगी। Okay.
अब यहाँ पे सब पूरी पब्लिक चली गई है, पूरा ग्राउंड खाली है। अब मम्मी लोग वहाँ बैठी हुई है। अब यहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं। अब यहाँ नाच गाने होंगे, फिर घर लोग जाएंगे। हम लोग भी बैठे हैं। सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। मम्मी भी स्लीपर पहनने गई हैं। सो गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं घर और यहाँ पे मम्मी है, भैया पीछे आ रहा है गाड़ी से। एंड देखो, रात हो गई है एकदम। कान्हा जी बेचारे सोच रहे होंगे रोज टहलाती रहती है हमको। बस मम्मी का कहना है कि हम 7 दिन से आ रहे हैं, 6 दिन से, तो हम दुबले हो चुके हैं। ओह माय गॉड, मम्मी इस टाइम पे सब कुछ त्याग किए, काम काज घर का प्लस और नमक वगैरह भी नहीं खाती। भैया हो पाता है तो करता है आदमी। हम मन से बस व्रत रहते हैं। भैया हमें खाना ना मिले तो हम तो। मम्मी सब अपने बच्चों का काम अपना खुद किए रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले पहुंचते हैं घर। पापा जी हमारे चाबी लेके कहीं चले गए हैं और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। आ गई चाबी, आ गई, भैया लेके चला आया चाबी। खोलो जल्दी से, अंदर प्रवेश करें। खुल गया, खुल गया, खुल गया दरवाजा। अब चलते हैं अंदर। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। दुआ में याद रखना। बाय गाइस।